सो वेलकम टू डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। इस सेशन के अंदर हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पढ़ने जा रहे हैं। ऑल्दो उससे पहले तक जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से थे, और लास्ट तक हमने जिस वीडियो सेशंस पर बात की वो हमारे डिफरेंट काइंड्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जिसमें हमने देखा था कि एक्चुअली किस तरह से लॉस फंक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, विच मीन ग्रेडिएंट डिसेंट क्या चीज़ है, ठीक है, ऑप्टिमाइजर्स के सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर डिस्कस किए गए थे। सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो इसे समझने से पहले हमें दो इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत है या समझने की जरूरत है। ऑल दो ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें ब्रीफली इंट्रोडक्शन में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब तक हमें इन दो कोर कॉन्सेप्ट पर या दो सब्जेक्ट पर डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, हम ऑनवर्ड आगे बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो दो इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली इमेज प्रोसेसिंग का जो कोर्स होता है या सब्जेक्ट होता है उसमें एक्चुअली हम करते ही क्या है। तो स्लाइड पे बताया जा रहा है कि इमेज प्रोसेसिंग इज अ मेथड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन इमेज, यानी ये एक मेथड है जिसके जरिए से आप एक इमेज पर कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। इन ऑर्डर टू गेट एन इनहेंस इमेज और टू एक्सट्रैक्ट सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट, या तो आप उस इमेज को जो कि एज अ इनपुट तुमने इमेज प्रोसेसिंग पे लिया है उसको इनहेंस कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी, या फिर उसमें से कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो। फर्दर बताया जा रहा है इट इज अ टाइप ऑफ द सिग्नल प्रोसेसिंग इन विच इनपुट इज एन इमेज एंड आउटपुट मे बी इमेज और कैरेक्टरिस्टिक फीचर एसोसिएटेड विद दैट इमेज, यानी यहां पर इमेज ऐसा सिग्नल प्रोसेसिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जिसके बेस पर हमारे पास जो आउटपुट है या तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स या किसी फीचर को लेकर आएगा जो उस इमेज के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि अगर इमेज प्रोसेसिंग की बात की जाए तो हम अपने इमेज को इनहेंस करने के लिए और साथ ही साथ उससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन टर्म ऑफ द सिग्नल प्रोसेसिंग इस्तेमाल करते हैं। वेयर एज कंप्यूटर विजन की बात करूं, तो अगर मैं ब्रीफली बात करूं कंप्यूटर विजन के हवाले से कि जो हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंसी के अंदर देखने का एक फेनोमेना है कि हम देख कर किसी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी चीज को कंप्यूटर के अंदर दाखिल कर देना या उसे इनेबल कर देना कि वो ह्यूमन की तरह देख सके, चीजों को एनालाइज कर सके, समझ सके, वो कंप्यूटर विजन है। तो डेफिनेशन पे इसे बताया जाता है कि इज अ फील्ड ऑफ द कंप्यूटर साइंस दैट वर्क ऑन इनेबलिंग कंप्यूटर टू सी आइडेंटिफाई एंड प्रोसेस इमेज इन सेम वे दैट ह्यूमन विजन डज। जिस तरह से ह्यूमन देखने की सलाहियत काम करती है, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं अपने कंप्यूटर को भी इनेबल कर दूं कि वो एज लाइक ह्यूमन इंटरेक्ट कर सके चीजों के साथ, तो हम कह सकते हैं दैट फील्ड डायरेक्टली बिलोंग्स टू कंप्यूटर विजन। And then provide appropriate output. It is like imparting human intelligence and interact to the computer. In reality, though, it is a difficult task to enable computer to recognize images on different objects. यकीनी तौर पर यह काम काफी क्रिटिकल है कि हम इमेज को किस तरह से इनेबल करेंगे कि वो ह्यूमन की तरह इंटरेक्ट कर सके, और इसके अंदर फिर डिफरेंट काइंड्स के एल्गोरिथम्स आ जाते हैं जिसके जरिए से हम अपने ट्रेनिंग स्टेज पर अपने एल्गोरिथम को ट्रेन करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमारे सिस्टम को या कंप्यूटर विजन रिलेटेड मशीन को कोई इनपुट दी जाए तो वो उसका बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह से एज लाइक ह्यूमन का होता है। तो होपफुली ये दोनों चीजें आपको क्लियर होंगी कि इमेज प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट क्या करता है और कंप्यूटर विजन का क्या कर रहा होता है, जिसके जरिए से आगे आने वाली चीज यानी हमें कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आगे चलते हैं। इस इमेज को अगर आप बगौर देखें तो इस इमेज को देखने के बाद आपके तसव्वुर में या आप जब इसको देख रहे होंगे डीपली तौर पर तो आपको दो तरह के इसमें फीचर्स दिखेंगे। फर्स्ट फीचर आपको यह दिखेगा कि एक पिलर है, ठीक है, जिसके बैकग्राउंड पे डार्कनेस मौजूद है और उस पिलर का कलर जो है वो व्हाइट है। लेकिन इसी तरह से अगर आप दूसरे डायरेक्शन से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि बैकग्राउंड पर व्हाइट कलर है और दो ऑपोजिट फेसेस एक जगह पर मौजूद है। तो जब आप इस इमेज को देख रहे थे और देखने के वक्त आपने कुछ पैटर्न्स या फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया एज अ ह्यूमन आई, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ सर्टेन फीचर के बिहाफ पर आपने बताया कि एक्चुअली ये इमेज ये हो सकती है, और इसी तरह दूसरे फीचर्स के बेस पर आपने ये बताया कि ये इमेज ये भी हो सकती है। सिमिलरली इस इमेज को देखने के बाद भी आपको, ऑल दो ये इमेज बिल्कुल डायरेक्टली ही हमें पता चल रही है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको बगौर देखें तो आप डायरेक्टली फर्स्ट सेंस पे तो ये बता सकते हैं कि जो लीव्स हैं वो सेपरेट एरिया पर, और इसी तरह एक जो स्पैरो है वो एक शाख पर बैठी है। लेकिन दूसरे डायरेक्शन से आप देखें तो लीव्स की जो सर्टेन पोजीशन है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऐसे लग रहा है कि जो दूसरे बर्ड है वो उसके बिल्कुल बराबर में उसी फॉर्म पर, जिस फॉर्म पर वो उसकी स्टाइलिंग बनी हुई है, बैठी हुई। तो जिस दोनों इमेजेस ऐसा इनपुट देखने के बाद हमें यह अंदाजा होता है कि जब एक ह्यूमन आई भी किसी इमेज को ऐसे देखती है जो कि एक एज लाइक अ मेज होती है,
जिसमें हमें कुछ सर्टेन पोजीशन या फिर फीचर्स को समझना होता है जिसके बेस पर हम उसका आउटपुट बताते हैं कि एक्चुअली इस सर्टेन पोजीशन के बिहाफ पर इसका आउटपुट ये हो सकता है। अब बारी बात ये की जाती है कि एक्चुअली जिस तरह से आपने उन इमेजेस को देखा और उस इमेजेस के बिहाफ पर चीजों को लर्न करना सीखा, तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पे जाने से पहले कि किसी खास पैटर्न या पोजीशन को फॉलो करते हुए हम किसी चीज को ट्रेन भी करवाते हैं। जैसे अगर मैं एक बच्चे की ट्रेनिंग की बात करूं इन टर्म ऑफ द लर्निंग, तो हमें कुछ सर्टेन पोजीशन बतानी होगी कि एक्चुअली किसी भी अल्फाबेट को रिमेंबर करने के लिए क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है, और इसी तरह से कोई अल्फाबेट्स को याद करने के लिए उसकी क्या उसकी जो स्ट्रोक्स होंगे अल्फाबेट्स की वो किस तरह से होंगे ताकि बच्चा जो किड्स हैं जो स्टूडेंट है वो उसको मेमोराइज कर सके। तो ह्यूमन के लिए तो ये काम करना काफी आसान है क्योंकि उसको पता है कि स्ट्रोक की विजिबिलिटी किस तरह से है, किस तरह से आर्क आ रहे हैं जिसके बेस पर ये ए हो सकता है, जेड हो सकता है, एक्स हो सकता है एंड सो ऑन। लेकिन सवाल ये होता है कि हम इसी तरह की ट्रेनिंग जिसके बिहाफ पर एक स्टूडेंट लर्न करके फर्दर नेक्स्ट टाइम उस करैक्टर को या उस ऑब्जेक्ट को पहचानता है, हम कंप्यूटर को किस तरह से करवाएंगे। तो जब हम कंप्यूटर को उस फॉर्म पर ट्रेन करवा रहे होते हैं तो उसी फॉर्म को हम कहते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। इस इमेज पर देखने के बाद आपको क्या लगता है? इस इमेज पर सबसे पहले तो हमने एक कैट की इमेज ली, ठीक है। कैट की इमेज लेने के बाद हमें पता है कि किसी कंप्यूटर को या मशीन को इमेज के रिस्पेक्ट से ट्रेन करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी इमेज को डिजिटल फॉर्म पर कन्वर्ट करें, नंबर्स के फॉर्म पर कन्वर्ट करें। एज वी नो कि नंबर्स हमारे पास जो है, अगर मैं एक इमेज को ग्रे स्केल पर कन्वर्ट करूं तो उसमें जो स्केल्स होंगे नंबर्स के वो सिर्फ एक कलर के होंगे, यानी एक चैनल होगा उसमें, और एक चैनल से मुराद ये है कि जो शेड्स होते हैं वो 0 से 255 तक के होते हैं। तो अगर मैं एक शेड्स के अंदर पूरे इमेज को कन्वर्ट करूंगा तो डिफरेंट जो पिक्सल्स के कलर्स होंगे जिसके कॉम्बिनेशन से एक इमेज बनती है उसके यही नंबर्स हो सकते हैं 0 से ऑनवर्ड 255। लेकिन इसी तरह से अगर हमारे पास कोई कलरफुल इमेज है तो उसमें 3 चैनल्स बनेंगे RGB, जो कि मैंने राइट हैंड पे शो किया है। ऑल्दो RGB के अंदर चीजों को हैंडल करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम थोड़ा इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंप्लीफाइड मैनर में रखने के लिए मैंने यहां पर सिर्फ एक ऐसे चैनल का जिक्र किया जो कि ग्रे स्केल है। वहां पर बात समझना हमारे लिए इसलिए आसान है क्योंकि वहां पर एक ही चैनल होगा, तो हमारा जो डेटा होगा वो 2D फॉर्म पर प्लॉट हुआ होगा। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पर जो इमेज के साथ हमने एक सर्टेन फीचर्स लिया हुआ है जो कि कैट के माउथ का है, वो 2 डायमेंशनल डेटा पे रिप्रेजेंट हुआ है, यानी जो इमेज का कलर है ओवरऑल वो ग्रे के फॉर्म पर है। अब जब इमेज को एक सर्टेन फीचर हमने ले लिया तो उस सर्टेन फीचर को हमने किसमें 2D एरे में प्लॉट कर दिया। तो इससे बात ये समझ में आई कि हम इमेज के सर्टेन फीचर्स के जो भी पॉइंट होंगे उनको पिक्सल्स फॉर्म पर कन्वर्ट करेंगे, उन पिक्सल की रिप्रेजेंटेशन इन टर्म ऑफ नंबर करेंगे और उसके बिहाफ पर मशीन को ट्रेन करवाएंगे। ट्रेनिंग के बाद अब ये ट्रेनिंग होगी कैसे? ऑल्दो हमने ये तो समझ लिया कि ह्यूमन के दरमियान इंटरेक्शन या लर्निंग का स्टेज क्या है और मशीन के दरमियान इंटरेक्शन या लर्निंग का स्टेज क्या है, तो इसको समझने के बाद इस स्नैप पर या इस एग्जांपल पर बात और भी बेहतर तरीके से हमें समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली एक मशीन को इमेज के रिस्पेक्ट से ट्रेन कराने का तरीका क्या हो सकता है। हमारे पास 2 इनपुट है और 2 अलग अलग सेपरेट कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है। फर्स्ट पे हमने क्या किया, एक क्रॉस साइन की एक इमेज है और इसी तरह एक ओ या फिर ओ कह लें तो बेहतर है, नॉट इट्स लाइक अ जीरो, ये ओ ही है। तो फर्स्ट वाली को हम जिक्र करते हैं, एक्स एक इमेज है। हमने सबसे पहले एक्स को ऐसे सर्टेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जो एज लाइक पिक्सल रिप्रेजेंट हो रही है। तो मैं मजीद इजिएस्ट वे पे ये कह सकता हूं कि एक्चुअली जो पिक्सल्स हैं एक्चुअली ये एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, यानी इस फॉर्म पर ये नंबर आ चुका है। अब इस नंबर के फॉर्म पर मैंने इन तमाम इनपुट्स को पिक्सल्स को अपने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में ट्रेनिंग के लिए दिया और ट्रेनिंग के बाद हमारे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ने एक वैल्यू प्रेडिक्ट की और जो वैल्यू प्रेडिक्ट की है वो हमारा फाइनल आउटपुट होगा। तो आप देख रहे हो कि ट्रेनिंग से लेकर टेस्टिंग स्टेज तक जब हमारा फाइनल आउटपुट आ रहा है तो वो एक्स वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि जो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग हुई थी वो काफी एप्रोप्रिएट हुई है। इसी तरह सेकंड स्टेज पर हमने जब ओ के फॉर्म पर उसकी ट्रेनिंग की कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में, उसके पिक्सल्स गए, पिक्सल्स से उसकी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग करने के बाद उसने एक वैल्यू प्रेडिक्ट किया और उसकी वैल्यू भी यहां पर हमारे पास वही आ रही है जो इनपुट पे दी गई थी। लेकिन अब ये सवाल ये पैदा होता है कि एक्चुअली CNN के अंदर एक्चुअली क्या क्या है, कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स थे, ठीक है, जिसके बेस पर उसने ये वैल्यू प्रेडिक्ट कर दी। तो उस चीज को स्लाइड पर बताया गया कि एक्चुअली ये एक ब्लैक बॉक्स है। इस ब्लैक बॉक्स को समझने के लिए हमें अपकमिंग स्लाइड पर जाना होगा जिसमें हमें जाकर ये बात समझ में आती है कि एक्चुअली कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो कि हमें पिक्सल्स की फॉर्म पे वैल्यू को ट्रेन करने के बाद जो वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहा है उसके लिए हमें 4 बेसिक स्टेप्स की जरूरत है।
ये चार बेसिक स्टेप कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के वो हैं जिसके बेस पर कॉन्वोल्यूशनल यानी CNN नेटवर्क हमें एक वैल्यू या फिर इमेज क्लासिफिकेशन को प्रेडिक्ट करके बताता है कि एक्चुअली अपने ट्रेनिंग के बाद जो आपने एक नई इमेज दी है उस इमेज की जो वैल्यू होनी चाहिए या उसका रिजल्ट होना चाहिए वो वही होना चाहिए जो एक नेक्स्ट जिसके बेस पर उसकी ट्रेनिंग हुई है, या फिर ये एक नया इनपुट है जिसके बेस पर मैं कह सकता हूँ कि ये वो वैल्यू नहीं हो सकती जिसके बेस पर मेरी ट्रेनिंग हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि मैंने कैट्स एंड डॉग्स के बिहाफ पर अपनी मशीन की ट्रेनिंग की है और उसके बाद मैंने कैट की इमेज दी, और कैट की इमेज देने के बाद मुझे देखना होगा कि कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क उसको क्या बता रहा है, उसे कैट बता रहा है या डॉग बता रहा है। ठीक है, तो ये एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हो गई कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की। अब अगर स्टेप्स की बात करें तो चार बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम कॉन्वोल्यूशनल को अप्लाई करेंगे, कॉन्वेंशनल क्या है नेक्स्ट सेशन पर समझेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास मैक्स पूलिंग है, ऑल द पूलिंग के डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, सम पूलिंग है, एवरेज पूलिंग है, ये डिफरेंट काइंड्स की पूलिंग्स हैं। उसके बाद फ्लैटनिंग है, ठीक है, फ्लैटनिंग क्या होती है ये भी नेक्स्ट सेशन पर अपकमिंग जब हम जाएंगे तो समझेंगे। और उसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास फुल कनेक्शन है, यानी वहां पर जाकर हमारे पास तमाम जो सर्टेन या स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो इमेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इन टर्म ऑफ द डिस्टिंग्विश बिटवीन और अमंग डिफरेंट क्लासिफिकेशन मेथड, वो हमारा एक इनिशियल इनपुट बन जाता है जो कि फर्दर आगे जाके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से कनेक्ट होता है। तो होपफुली ये तमाम बातें क्लियर होंगी। और अगर नीचे स्नैप पर देखें तो उसी चीज को फर्दर बताया जा रहा है कि एक ओरिजिनल इमेज है, उनमें कॉन्वोल्यूशनल अप्लाई किया मैंने, यानी फीचर या कर्नल डिटेक्टर के जरिए से कुछ फीचर्स लिए, फीचर्स लेने के बाद मैंने उसको पूलिंग की, पूली करने के बाद फिर कॉन्वेंशनल अप्लाई किया, और उसके बाद एट लास्ट हमने फुली कनेक्टेड लेयर्स पे एज अ इनपुट लिया। और इनपुट लेने के बाद आगे जो ऑनवर्ड है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का वही स्ट्रक्चर आ जाता है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बिहाफ पर हमारे पास प्रेडिक्शन है कि एक्चुअली जो इमेज दी गई है वो सिर्फ बाइनरी आउटकम पे बेस करती है या मल्टीपल क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, तो उसके बिहाफ पर वो प्रेडिक्ट करके बताएगा कि ये इमेज कितने परसेंट चांस है कि डॉग की हो, कितनी परसेंट चांस है कि कैट की हो, कितने परसेंट चांस है लॉयन की हो, या कितने परसेंट चांस है बर्ड की हो। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं कि हमारी जो प्रेडिक्शन की वैल्यू थी वो इस तरह से अगर आती है कि मैं कहता हूं कि 70% हमारे पास डॉग की आई, 10% इसकी वैल्यू आई, 10% इसकी आ गई, और 10% इसकी आ गई, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मल्टीपल क्लासिफिकेशन होगी तो तमाम वैल्यू का सम 1 के बराबर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटी। और इसके बिहाफ पर जो हमारे पास स्ट्रेंथ हायर स्ट्रेंथ आई वो किसकी आ गई, डॉग की आ गई, तो इसके बिहाफ पर हमारा जो CNN होगा वो प्रेडिक्ट करके बता देगा इन टर्म ऑफ द वैल्यू कि जो इमेज आपने आफ्टर ट्रेनिंग के बाद जो इमेज प्रोवाइड की है इसके बिहाफ पर जो इमेज दिया गया है उसका आउटपुट इन टर्म ऑफ डॉग होना चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन पर जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक्चुअली कॉन्वेंशनल क्या चीज़ है और वो किस तरह से वर्क करता है।